इस बाइक में और एक खास चीज है, ठीक है? तुम लोग को बताएंगे, तुम लोग चौंक जाएंगे। इस बाइक तो इंडिकेटर देखो। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंगल का अमी को। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो थैंक यू लवली पीपल, तुम सबको जो मेरा व्यूअर हो, जो मेरा सब्सक्राइबर हो। आज बहुत जल्दी मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो कि बियर बाइक का सेमी आज आएंगे, उसका न्यू बाइक लेके। तो चलो देखते हैं आता है कि नहीं। आशा करता हूँ वो आए। तुम सबको मैं वीडियो में सुपर बाइक दिखा पाऊँ, उसका नया बाइक। मेरा 1 के सब्सक्राइबर आज ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना था, तुम सबको ही बताए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, जैसे तुम सबके समय बच जाए, ज़्यादा समय नहीं लगे देखने के लिए। सब आगे एक निंजा गया, फिर से एक निंजा गया। ऐसा करता हूँ कि बाइक आए भाई, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा हूँ तुम सबके लिए, जाते सुबह बाइक तुम सबको दिखा पाऊँ। यहाँ पर हार्ले डेविडसन है, देखो ब्लैक कलर में, और भी और एक हार्ले डेविडसन है, उसका फ्रंट में लग रहा है कि लैंड का हेड जो होता है उसकी तरह लग रहा है भाई। भाई RS बाइक का जो फ्रंट का लुक है पूरा ड्रैगन का हेड की तरह लग रहा है। देखो भाई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, क्या बात हो। तुम इस बाइक में और एक खास चीज़ है, ठीक है? तुम लोग को बताएंगे, तुम लोग चौंक जाएंगे। इस बाइक तो जो मॉडिफाई किया हुआ RS बाइक का मॉडल का मॉडिफाई है, बाइक का इंजन का जो क्वालिटी है वो है KTM ड्यूक 390 का इंजन लगा हुआ है भाई यहाँ पर, ठीक है भाई। बाइक फोन से जितना अच्छा लग रहा है, बैक से भी उतना ही अच्छा लग रहा है भाई। तो भाई चलो चलते। तो भाई आज तो मजा ही आ गया भाई। बजाज पल्सर RS बोलूँ या ड्यूक 390 बोलूँ मुझे पता नहीं भाई, कस्टम किया है गाड़ी को। गाड़ी तो आया था ड्यूक 250 390 KTM RC 390 रॉयल एनफील्ड था, आपका स्कूटी बाइक था। स्कूटी बाइक का जो मॉडिफाई किया था पहले वीडियो में जो तुम सबको दिखाया था वो वाला स्कूटी बाइक, R15 V4 तो बहुत सारे था, R15 V4 MT15। तो खास तरीके से जो RS का बाइक जो इंजन का कस्टम किया है ना 390 का, वो वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई। इंडिकेटर देखो। ओ भाई मेरे बाइक में देखो तो इंडिकेटर बहुत पहले दिया था भाई, वो भी जल्दी में था इसलिए इंडिकेटर। सुबह के टाइम में इतना धूप है भाई, उसका भी दोष नहीं है जो इंडिकेटर नहीं दिख पाया। तो मेरा भी फॉल्ट था थोड़ा सा, सुबह के टाइम में हाथ दिखाना चाहिए था मुझे। मैं भाई इंडिकेटर दिखा के घुस गया था, और तो छोड़ो कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर और भी रुकता, ऐसा करता हूँ कि और सुपर बाइक नहीं आएगा, मैं थोड़ी देर रुकता। ये तुम सबको पता ही है क्यों नहीं रुक सकता भाई। बियर भाई का सेमी लाइव मोटो वर्ल्ड उसका जो टीम है वो तो नहीं आया भाई, मुझे पता चला था कि वो सब आएंगे नया सुपर बाइक लेके। हीरोक भैया भी आएंगे,
उसका S1000RR लेके नया वाला। तो बिहार वगैरह सभी भी उसका नया बाइक R1 लेके आएंगे, कोई भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आशा करता हूँ वो लोग आए बिल्कुल टोल प्लाजा में, तुम सबको उसका नया बाइक दिखा पाऊँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बाइक देख चुके हैं वीडियो में, तो भाई उसका वीडियो अलग है, मेरा वीडियो अलग है। मुझे पता है कि मेरा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तुम सबको मज़ा नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम सबको मज़ा आए वीडियो में। तो भाई वीडियो का बड़ा नहीं करूँगा, यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो जो मेरे चैनल पर नए आए हो उसके लिए थैंक यू, जो जो मेरे नया व्यूअर हो उसके भी थैंक यू। तो चलो, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट संडे राइट। तो चलो आज का मतलब वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।